एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मिश्रा साहब, जिस तरीके से राजनीति हो रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान, एक तरफ सियासत है लेकिन दूसरी तरफ ये एक बड़ा कौम है, सनातन धर्म है, जिस पर इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या चुनावी मंशों से साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये तो पूरी तरीके से अपमान है सनातन धर्म का। नहीं मैम, देखिए ये लोग सनातन के बारे में क्या बोलते हैं उसको छोड़िए, सनातन ने बहुत पहले इनके बारे में बोला है, एक श्लोक का वाक्य है, साक्षात पशु भी पुच्छ विषाणहीन, यानी इन लोगों को पहले ही बोल दिया गया है कि ऐसे धर्म विरुद्ध वक्ता और लोग आएंगे जो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। दूसरी चीज, एषां न विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भव भारभूत, मतलब ऐसे लोग जिनके पास न विद्या है न ज्ञान है न धर्म है न शील है न गुण है न धर्म है, ये मृत्यु लोक में ये धरती पे भार है। आज की डेट में यही लोग धरती भुवन, बहुत गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं। आप जब दूसरे, आपकी अपनी पार्टी थी जब सत्ता में, तो आपने कुछ नहीं किया और अब सिर्फ सनातन को टारगेट कर रहे हैं। पैसे लुटाए नशीनियों के ऊपर, प्रदेश की गाड़ी कमाई, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसे लुटाते थे नशीनियों के ऊपर। सुन लेते मिश्रा जी, सुन लेते जी, प्रोफेसर भुवन, पिता पितर पुत्र करने के लिए और उनका बेटा जो हत्या करने के लिए, इनका जो प्रोफेसर भुवन माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है। साक्षात पशु भी पुच्छ विषाणहीन, आप लोगों के लिए शब्द है, स्वामी प्रसाद मौर्य की विशेषता है ये, साक्षात पशु भी पुच्छ विषाणहीन। आप विकास की बात नहीं करेंगे, अब आप इनकम की बात नहीं करेंगे, अब आप चलिए विकास की बात नहीं करेंगे, लेकिन सनातन को आड़े हाथ लेकर के जैसे जैसे चुनाव आएगा आप अपने असली रूप में आते जाएंगे। एके मिश्रा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपने तो इस राजनीति को बड़े अच्छे तरीके से देखा है, बहुत गहराई से देखा है, जिस तरीके से राजनीति की आड़ में सनातन को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है ये पूरी तरीके से एक चुनावी मंशा है, एक ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस को लेकर के जो विवादित बयान सपा के नेता दे रहे हैं, हालांकि उनको लेकर के पार्टी के अंदर भी लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन यह कैसी राजनीति है? देखिए शिखा जी, आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार आज के सियासी दल राजनीति कर रहे हैं, और आपको याद है कि अभी एक साल के बाद लोकसभा चुनाव आ रहा है और लोकसभा के चुनाव में 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, सबका फोकस उन पे है। स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक तो भाजपा में थे, ना स्वामी प्रसाद मौर्य को ये चीजें याद आई और ना भारतीय जनता पार्टी वाले जो बता रहे हैं। सर जी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं कि धरती पे बोझ हैं, तो जब ये भारतीय जनता पार्टी में, तब ये बोझ नहीं दिखाई दिए। तो ये सब ये राजनीति और सियासी जो है कलाबाजियां कर रहे हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा, अल्टीमेटली फोकस जो है इनका सिर्फ और सिर्फ सियासत है। चलिए ठीक है, प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केपी मलिक साहब, आपने बोला जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे बोझ नहीं थे, जब तक सुषेण बैद्य और विभीषण राम की सेना में थे राम की तरफ वो बोझ नहीं थे। अब इनकी मति पलट गई है, क्योंकि ये अच्छे लोकसभा चुनाव से पहले समाज में बोझ नहीं। चलिए अश्विनी जी से जवाब लेते हैं। अश्विनी जी का असर, जैसे अश्विनी जी केपी मलिक साहब जो बात कह रहे हैं, में कुसंगत का असर दिखने लगा, इनकी बुद्धि पलट गई है। बुद्धि पलट गई है क्या अश्विनी जी? कुसंगति का असर है। अगर ये कल को फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे फिर बुद्धि पलट जाएगी। अच्छी संगत में रहेंगे तो सद्बुद्धि तो रहेगी। अच्छा अश्विनी, अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। साधु संतों के संगत में रहेंगे तो भगवान इनको सद्बुद्धि देगा। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए एक बयान उनका कोई सुना दे, एक बयान कोई सुना दे कि अगर इस तरीके का बोले हो, वो तो जैसी संगति का असर है। अभी मिश्रा जी ने कहा कि सुषेण बैद और वो जब तक उनके संगति में, तो रावा की संगति में वो स्थिति होती है, लोगों की संगत की तुरंत मति पलट गई। तो संगति का असर है, जब तक अच्छे लोगों की, साधु संतों की संगत में रहते थे, गंगा नहाते थे, सद्बुद्धि थी।
आचार्य प्रकाश आप कुछ कह रहे थे पहली बार जो चुनाव जो आ रहे हैं। मिश्रा जी को बताइए, पहले तो आपकी ये जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऐसे से बोले, लेकिन विपक्ष की बात को सुन लो। भारतीय जनता के हैसियत से बोल रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा से मुझे मत जोड़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके विरोध में बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं तार्किक बोल रहा हूँ। आपके जमाने में, चलिए हम विकास की बात करते हैं, मुझे जरा बताइए आपके जमाने में यूपी की इकोनॉमी कितने कितनी थी सर, आप बताएंगे? और आज कितनी रैंकिंग क्या थी? जी आप जरा सुनने का काम करें, आप उम्र में बड़े, मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, आप उम्र में। नहीं, उम्र में आप ही बड़े हैं सर। नहीं, आप सुन लीजिए, तो सुनने की शक्ति लाइए। मिश्रा जी, अगर उम्र में छोटे हैं तो आप सब इस बात को समझ लो। भुवन जी, देश की हर एक जनता अभी सुनना चाहती है, आपका जवाब हमें चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, किसानों की हत्या करने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके पुत्र निकल जाते हैं सर। बंपर पैदावार हुई है उत्तर प्रदेश में और बंपर खरीद हुई है, आपको तो पता ही नहीं है। भुवन जी उत्तर प्रदेश की वही धरती जो बंजर थी अब सोना उगलने लगी है। मिश्रा जी, भुवन जी सुनिए, अभी इस टॉपिक से डिविएट नहीं होते। भुवन जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए और उनके खिलाफ आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया है? सनातन पर उन्होंने वार किया है, क्या कुछ कहा गया? आप बस इतना ही बता दीजिए। मैं वो बताता हूँ, लेकिन मिश्रा जी जब ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी कितने पैसे लाए इस बार के जो ये समिट में, तो मैं बताता कितना पेन कर हुआ इस बार के में। सर, आप भी गए थे, अखिलेश यादव भी बॉम्बे में गए थे एमओयू साइन करने, जरा वो देख लीजिएगा, वहाँ किसी ने साइन ही नहीं किया। अखिलेश यादव जो एमओयू साइन करना, अखिलेश यादव तो मुंबई महाराष्ट्र में करवाते थे ये सारी चीजें, कोई आता नहीं था और एक एक एमओयू साइन नहीं होता था, जाते थे घूम टहल के खाकर खा पी करके चले आते थे। आपके टाइम पे जब होता था इन्वेस्टर समिट तो बॉम्बे में होता था, जरा उठा के देखिए क्या होता था, कितना इन्वेस्टमेंट आप लाए थे मुझे बताइए, केवल घूमने टहलने के लिए और फाइव स्टार होटल में रुकने के लिए बॉम्बे जाते थे। सर, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी की धरती पे आए, पहले तो कोई घूमने भी नहीं आता था, एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में डर के मारे घूमने नहीं आता। अश्विनी जी, बाहर का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट घूमने तक नहीं आता था। अश्विनी जी को सुन लेते, भुवन जी थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। मिश्रा जी, मैं इनको बता देता हूँ जो अभी मिश्रा जी ने कहा। भुवन जी, मिश्रा जी, एक भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए, भारतीय जनता के रूप में वो अपनी बातें कह रहे हैं, उसको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि आप सही में बनवाते थे, हम जनता के लिए। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप सनातन पर वार करेंगे? देखिए, देश में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, हम लोग रामचरित मानस का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, लेकिन आपके नेता तो नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कर रहे। भुवन जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मियां बदल गए, एक हफ्ते में अकल ठिकाने आ गई। भुवन जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आप बोल दो बिना टोकी की, अगर हिम्मत हो तो मैं धैर्य हो किसी के में भी आप बोल सकता हूँ, या पहले किसी को बोलना जी बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पार्टी का साफ स्टैंड है, हम लोग रामचरितमानस उन पंक्तियों का विरोध करते हैं जो दलित विरोधी है। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। हमेशा बीच में बोलते हैं, क्या क्या एक तरीका है? नहीं नहीं, मैम, I am just replying. Whatever you are saying, that is a simple reply. अच्छा ठीक है, ठीक है, मिश्रा जी को सुन लेते, भुवन जी की पहले बात सुन लेते, फिर काउंटर करते। जी बोलिए भुवन जी। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ मैडम, हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी ग्रंथों का आदर करते हैं और हम देश के संभाव को मानने का काम करते। ठीक है, एक है मिश्रा जी। अरे देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मास्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अपने आप को, गुड़ खाए गुड़गुला से परहेज, ये कैसे हो सकता है कि आप रामचरितमानस का सम्मान करें और राम का अपमान करें, चौपाइयों का जो है आप अपमान करें, आप हनुमान का अपमान करें, ये हो सकता है कभी? तो ये इस तरह के नखरे मत दिखाइए, इसीलिए हमने आपको बोला है संगत का असर,
ठीक है, ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। जो या तो आप सम्मान करेंगे तो पूरे सनातन का करेंगे, रामचरितमानस, राम और उसमें लिखी चौपाइयों का, नहीं तो किसी एक कौमा का भी अगर आपने अपमान किया तो वो पूरे सनातन का अपमान होगा। हाँ तो कह तो रहे हैं ना स्वामी प्रसाद मौर्य कि करोड़ों लोग ये बकवास पढ़ते ही नहीं है, मैं तो कह भी नहीं सकती। नहीं पढ़ता है तो कर रहे हैं केपी मलिक साहब, वोट भारतीय जनता पार्टी मिश्रा जी देखिए, ये बहुत क्लियर कट है। मैं सनातन की बात बताऊं, प्रायश्चित और पश्चाताप करने के बाद अगर उनका हृदय पवित्र हो जाए तो हर चीजें माफ है। जेल में संविधान में भी ये है कि जेल में जाने के बाद चाल चलन अच्छा हो जाता है तो उसको सजा से मुक्त कर दिया जाता है। अगर इनके विचार अच्छी संगत के कारण बदल गए तो ये किसी भी पार्टी में रहे, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर बीजेपी में गए और सनातन का विरोध किया तो यही तो केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, कर लीजिए कार्रवाई। कार्रवाई देखिए, जो धर्म की बात है, ये धर्म का विरोध कर रहे हैं तो कार्रवाई धर्म करेगा। मैंने बोला ना, ये तो साफ हो गए यूपी से, कभी इनकी सत्ता होती थी तो धर्म इनको दंडित कर रहा है। जो जो लोग धर्म के सनातन के विरोध में रहे हैं, रावण से लेकर के आज तक देख लीजिए, वो साफ हो गए। तो जो धर्म की बातें हैं, धर्म उनको दंड देगा। इसीलिए मैंने बोला, जो साधु संतों ने बोला कि जबान काट ली जाए, वो कोई हिंसा या अहिंसा नहीं है, वो दंड का प्रावधान। जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है आचार्य प्रकाश जोशी, कई सारे बयान है हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। ये कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि तुलसीदास जी ने अपने खुशी के लिए रामचरितमानस लिख दिया।